वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज रोहित। आज 22 जून, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू हमारे चैनल का नाम एंड ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिवीजन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या व्हाटएवर एग्जाम फॉर योर प्रिपेयरिंग, आपके लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, अब भी जाके ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। करंट अफेयर का वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है। शुरू करेंगे फिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च TS वेदर ऐप फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन। सो वेदर की जानकारी के लिए TS वेदर ऐप कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई, ये आपने बताना है। वेल ये पिक्चर है जी, कैलाशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। नाउ यू कैन ईजिली गैस कि कौन सी स्टेट हो सकती है दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तेलंगाना ने 2 जून इसी मंथ अपना फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया, वो अपने याद रखना है। एंड TS वेदर ऐप क्या करेगी, जो हमारे फार्मर्स हैं तो वो जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो वो पहले वेदर देख के उसी हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। एंड बाकी लोग भी वेदर की जानकारी इस ऐप से ले सकते हैं TS वेदर ऐप। ओके, अब स्टेट के बारे में बेसिक डिटेल, स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड भी यहाँ दिया गया। एंड 2020 यानी कि दिस ईयर तेलंगाना इज ऑब्जर्विंग एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल इस साल तो हमारा कोरोना के चक्कर में निकल गया, बट आपने ये याद रखना। ओके, बाकी CM एंड गवर्नर की डिटेल्स पूरी यहाँ पे दे दी गई है, ये आपने याद रखना है। 2 जून 2014 ये सेपरेट हुआ था फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये याद रखिएगा। सेकेंड वन इज, ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पावरफुल 15 नेशन बॉडी फॉर 2 मंथ इन इट्स 2 ईयर टर्म। यू नो अभी हमारा भारत चुना गया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हमारा इंडिया 8वीं बारी चुना गया। नाउ अभी ये 2 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, 2 साल के लिए चुना गया एंड 2 साल की टेन्योर में 2 महीने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व करेगा। 15 पावरफुल नेशन का प्रेजेंट सर्व करेगा हमारा इंडिया। अब कौन कौन से महीने में सर्व करेगा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा। सो कौन कौन से महीने में सर्व करेगा, अगस्त 2021 यानी अगले साल अगस्त के महीने में एज ए प्रेजेंट सर्व करेगा 1 महीने के लिए। एंड उसके बाद अगले साल यानी कि 2022 में फिर से अगस्त मंथ में एज ए प्रेजेंट सर्व करेगा, यानी कि कुल मिला के 2 साल के टेन्योर में 2 महीने एज ए प्रेजेंट सर्व करेगा। ये रोटेशनल होता है, हर कंट्री को मौका मिलता है, बट हमने हर कंट्री का नहीं करना, हमने अपने भारत का करना। ओके, अगस्त 1 साल एंड उसके बाद अगस्त अगले साल, ये आप याद रखेंगे। देन उसके बाद वॉल्कन बॉजकर, ये आपको याद होना चाहिए, 75th UN जनरल असेंबली के लिए प्रेसिडेंट चुने गए, तो ये भी आपको याद रखना है। टर्किश वॉल्कन बॉजकर, इनका नाम भी आपने ज़रूर याद रखना है, तो ये मंथ याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। तो किसे सम्मानित किया गया, हमारे अर्थशास्त्री या हमारे इकोनॉमिस्ट। करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द विनर वॉज ग्रांटेड दिस प्राइज फॉर हिज डेकेड लॉन्ग एड्रेसिंग ग्लोबल सोशल इनजस्टिस रिपोर्ट, अमर्त्य सेन। एंड इन द ईयर 1998 इन्हें नोबेल प्राइज सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। इनका एक NGO भी है, बचपन बचाओ आंदोलन, वो आप याद रखिएगा। ओके, इस प्राइज़ के बारे में डिटेल्स पूरी दी गई है एंड आप PDF में पूरा पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, मनमोहन सिंह तो आप जानते ही हो, जज एटले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कमेटी बनाई गई बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। तो स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो देख रेख करेगी ऑन द इश्यूज़ लाइक इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, लाइक चाइल्ड बर्थ, लाइक चाइल्ड मैरिज, इस तरीके की जो भी सोसाइटीज़ में इश्यूज़ रहते हैं तो उनको एड्रेस करेंगी एंड सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस देंगी। जज एटली इस कमेटी को हेड कर रही हैं। के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं एंड इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ BMW जर्मन कंपनी लाइक फॉर द ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। तो किसे बनाया गया प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट चुना गया इन्हें, इनका नाम है जी विक्रम पावा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रुद्रा तेज सिंह, इनका निधन हो गया था, आपको याद होना चाहिए, इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक की वजह से लास्ट मंथ, वो आप याद रखेंगे।
एंड संजीव चड्ढा कौन है ये आप आपको पता होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा फुली डिजिटाइज हो जाएगा इन नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है, वो भी याद रखेंगे। एंड उदय कोटक वाइस प्रेसिडेंट एंड MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरी हैज चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें फार्मर वेलफेयर को भी जोड़ दिया गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऐसा किया गया। सो दिस हैज़ बिन डन बाय द UT जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, विंटर कैपिटल इज जम्मू, समर कैपिटल इज श्रीनगर। एंड बाकी देखो, जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ और ज़रूर करनी चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ, एक चीज़ और चेंज करनी चाहिए, 2G से 4G कर देना चाहिए। अब तो एक साल होने वालों को आया है, यानी कि एनिवर्सरी भी हम होने वाली है, 4G बंद हुए। चलो इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप हमेशा ये ले आते हो इशू, क्योंकि ये तो मेरे लिए काफ़ी, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए तो काफ़ी बड़ा इशू है, लास्ट में डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल गेट 0 टैरिफ फैसिलिटी ऑन 97% ऑफ इट्स गुड्स एक्सपोर्टेड टू चाइना। यानी कि अब ये कंट्री इसके 97% तक ये अपना जो सामान एक्सपोर्ट करेगा चाइना को, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ रहेंगे, सिर्फ 3% पे लगेगा, 97% फ्री ऑफ टैक्स होंगे। अंडर ड्यूटी फ्री कोटा फ्री DFQF अंडर द स्कीम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये स्कीम रहता है। सो अब ये चाइना में, चाइना याद रखिएगा, ओके, चाइना में बांग्लादेश 97% तक, यानी कि अगर 100% करता है तो उसमें 97% तक जो भी एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा बांग्लादेश को। सो ये स्कीम डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऐसी तरीके की योजना होती है। सो अब याद रखेंगे बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो बांग्लादेश के बारे में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जहां हमारे WHO के हेडक्वार्टर्स हैं, एंड इसके डायरेक्टर जनरल हैं रोबर्टो एस्वेडो। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो रिटायर हो गए, ये तो इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया था। यस, इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया, बट वो केम इन टू इफेक्ट अगस्त से आएगा, अभी करेंटली यही सर्व कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में बेसिक डिटेल्स तो आपको पता ही है। बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान, अभी उनकी इसी साल 100th बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्न हॉस्पिटल भी बांग्लादेश में ही है, ये आप याद रखेंगे। एंड उसके साथ साथ अपना नेशनल स्लोगन भी बांग्लादेश ने अपना डिक्लेयर किया है, जॉय बांग्ला, वो आप भी ज़रूर याद रखेंगे। ओके, तो ये डिटेल्स मैप से भी आप बांग्लादेश को देख सकते हो। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड इन योर GS एंड करंट अफेयर सेक्शन, यू मस्ट हैव टू डू दिस, ज्वाइन कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए। एंड स्पेशल ईबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, 6 महीने की करंट अफेयर की ईबुक भी आप जरूर परचेज कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड 69 रुपीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। British Petroleum is going to set up a global business service center in which Indian city? So this will be opened in Pune. Option number A is the correct answer. And Mumbai mein recently iFlow flood warning system start kiya gaya tha. Wo bhi yaad rakh lijiyega. So correct answer for this question is Pune. Who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy? To kise new chairman banaya gaya? Correct answer is उर्जित पटेल। एंड उर्जित पटेल RBI के 24th गवर्नर। एंड उसके साथ साथ बाकी अगर ऑप्शंस की बात की जाए, वैल इसमें रघुराम राजन भी हमारे RBI के गवर्नर ही रह चुके हैं 23rd। एंड इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, एंड ओनली इंडियन जिनको इसमें इंक्लूड किया गया, रघुराम राजन। अधीर रंजन चौधरी के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे, JP नड्डा प्रेसिडेंट हैं BJP के, याद रखिएगा। So correct answer for this question is Urjit Patel. Who has become the brand ambassador of JSW Cement? Cement की कंपनी है जिसके headquarters मुंबई में है। And अब बताना आपको ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। वेल, पिक्चर से आप देख लो, हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन एंड हमारे BCCI के 39th प्रेजिडेंट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सौरभ गंगोली एंड सुनील छेत्री इज द
correct answer for this question. Next one is, RBI has extended the restriction of Punjab Maharashtra Corporation Bank for 6 more month. यानी कि 6 महीने के लिए और extension बढ़ा दिया गया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. ठीक है, यहाँ 6 month कर दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया. एंड विड्रॉल लिमिट जो 50,000 थी, 50,000 थी, अब उसको बढ़ा के 1,00,000 कर दिया गया. यानी कि अब आप 1,00,000 रुपये विड्रॉ करवा सकते हो इस बैंक से अपना. ठीक है, पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक. कुबाटेक बोरोनोव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो कौन से देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? करेक्ट आंसर कजाकिस्तान. बिशेक इज द कैपिटल कजाकिस्तान, सोम इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान, याद रखिएगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस. सो विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन? सो दिस डिसीजन हैज बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. बेसिक डिटेल सारी यहाँ इंक्लूड कर दी गई. ओके, सो डेट्स ऑल. एक क्वेश्चन अब आप बताइए, द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री. तो कौन से कंट्री में होंगे ये बताओ. एंड आफ्टर दिस, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए. ये क्वेश्चंस आपने एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करने. ओके, सो मिशन सोलर चरखा वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ये बताओ. सेकेंड वन इज, वट इज द नेम ऑफ पैसेंजर फेरी सर्विस स्टार्टेड बिटवीन मांडवा एंड मुंबई. तो फेरी सर्विस का नाम क्या था ये बताओ. फ्लाइंग कार PLV नीदरलैंड की कंपनी विल सेटअप इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच इंडियन स्टेट. रिसेंटली विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स. यानी कि जो भी दंगे वगैरह करते हैं, अगर कोई तोड़ फोड़ कर देगा तो वो सारी वसूली लाइक उन्हीं से की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को लाइक सीज किया जाएगा अगर वो कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं. सो ऐसा ऑर्डिनेंस कौन सी स्टेट ने पास किया था ये बताओ. एंड अक्षय ऊर्जा पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री. तो ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने, ट्राई टू आंसर एंड आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक यूर आंसर्स. ओके, सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट अपना बनाए रखें. एंड वीडियो को लाइक करते रहें, जितना हो सके शेयर भी करें. एंड वन मोर थिंग, जो इंटरनेट की बात कर रहे थे, वेल देखो 2G तो चल ही रहा है. एंड अब सरकार को अब आपको पता है कि 1 साल होने वाला है, क्योंकि 5 अगस्त को ही डिसाइड किया गया था 370 and 35 का. नाउ बिल्कुल 11 महीने तो हो ही गए, अब शायद 12 महीने. यू नो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है. चलो लेट्स क्लोज द टॉपिक, वीडियो को ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बस आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहिए, आप लोग इसे लाइक शेयर करते रहिए. एंड फ्रॉम माई साइड आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड चाहे 2G हो 4G हो, वी विल यू नो 2G भी नहीं था तभी मैंने मिस नहीं की थी. नाउ 2G चल रहा है, स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग. एंड 4G चलेगा तो और ज़्यादा बेटर सर्विसेज हो जाएंगी, ये डिफरेंस होगा. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं फिर कल की वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.